Mekhala, architecture has created history. Pyramids bane to Egypt ki wo sari hai, tab spirituality aur jo kuch bhi hai, wo create hui usse. Romans ne jab ye colosseums aur ye banaye to it has created the whole spirit of Roman Empire. You can say that architecture does create history. Let me tell you, outwardly there are successes, apparently, as you are saying. But inwardly, I know that there are more failures than successes. यहाँ पे तमीज का काम करना बहुत मुश्किल. काम की conditions जो हैं और the attitude of people who you work for, उसमें ज़्यादा commercialism की problems हैं, bad taste की हैं, और हमारे field में जो element of corruption है in the field of construction. वो फिर आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में भी अपना साया डालता है. आई वॉज वेरी गुड इन ड्राइंग, तो मैंने पेंटिंग ज्वाइन करी थी पहले. तो मेरे अंकल एक इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा कि ये इसका तो कोई प्रोफेशनल फ्यूचर ही नहीं है, छोड़ो उसको. फ्राइटफुली यंग तो ही आस्क्ड मी टू मूव आउट, गेट इनटू आर्किटेक्चर. तो मैं शिफ्ट कर गया. तो शाकिर साहब मेरे पे बहुत नाराज़ हुए, बिकॉज ही वॉज अ पेंटर. ड्राइंग के बेसिस पे मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स चला गया था, तो फिर पेंटिंग से मैं आर्किटेक्चर में चला गया. एंड आई रिग्रेट दैट, बिकॉज एज ए पेंटर देखे ना, मैं जब आर्किटेक्चर काम करता हूँ, सो मच हैम्पर्ड एंड इंटरफियर्ड एंड स्पॉइल्ड. ओके, कुछ 70% हमारा डिज़ाइन बन जाए तो हम अल्लाह का शुक्र करते हैं. बिकॉज पेंटर के तौर पे कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये जो है ना, ये फलाने ने ख़राब कर दी थी या फलाने ने ये नहीं करने दिया. आई हैव टोटल फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांट टू डू. कॉलेज ऑफ आर्ट्स में हमारे प्रिंसिपल पहले जो थे, लॉयनल किपलिंग उनका नाम था, रुडियार्ड किपलिंग के वालिद थे. ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स. पहले वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे के प्रिंसिपल लगे, फिर वहाँ से गोरों ने उन्हें यहाँ भेजा कि आप हमारे जो गोरों के डिज़ाइन हैं, हमारे पलेडियन बिल्डिंग्स और क्लासिकल, जैसे कि मॉन्टगोमरी हॉल है और स्टाफ कॉलेज है, वो उन्होंने नक्शे उन्हें भेज दिए और कहा कि ये हम ज़बरदस्त, हमारी हुकूमत है और ज़बरदस्त इमारत बनानी है जिनमें हमारी पार और वो जो है इस्टेब्लिश हो. तो वो उन्होंने भेजे, तो किपलिंग साहब ने बोला कि देखो ये इमारतें तो वहाँ से उठा के हम बना रहे हैं, यहाँ की तहजीब से, यहाँ की आबोहवा से, यहाँ के मटेरियल से इनका रब्त नहीं है, ये फॉरेन इम्प्लांट्स हैं. वो नाराज़ हुए वायसराय की, तुम क्या बात कर रहे हो, तो हम क्या ये वाहियात देसी चीज़ें बनाएं. तो उसने कहा जी वाहियात मत कहें, यहाँ पे टैलेंट भी मौजूद है और लोगों में बड़े ब्राइट लोग मौजूद हैं, बेहतरीन ये होगा कि हम उनको भी साथ बिठाएं और यहाँ के लिए कुछ इवॉल्व करें जो यहाँ भी बिलोंग करे और हमारे जो आइडियाज़ हैं वो भी ट्रांसलेट हो. तो मैंने कहा ये तुम वाहियात थ्योरी पेश कर रहे हो, बट ही मैन ऑफ स्टेचर था, ही कुछ टेक ऑन द वॉइस रॉय एंड ही डिड ऑन हिज ओन. ने सर गंगा राम को बुलाया, ब्रिलियंट इंजीनियर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट. फिर उन्होंने भाई राम सिंह को बुलाया, ग्रेट क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्ट, स्कल्प्टर, यू कुड सी टैलेंट इन देम. तो उनसे बैठ के फिर उन्होंने एक हाइब्रिड एक आर्किटेक्चर इवॉल्व किया, जो कि गोरों के आइडियाज़ और नक्शों को लेके ट्रांसलेट किया, अपना मटेरियल ब्रिक, अपनी लैंग्वेज आर्चेज, और उससे हाई कोर्ट बना, उससे एचिसन कॉलेज बना, उससे पंजाब यूनिवर्सिटी बनी. इट्स ए लेसन हाउ टू क्रिएट हाइब्रिड आर्किटेक्चर विच टेक्स केयर ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, विच टेक्स केयर ऑफ द आइडेंटिटी, विच मेक्स यूज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द माइंड्स ऑफ योर ओन क्रिएटिव पीपल. इन माई यंगर डेज
I was given an assignment to design Alhambra Arts Council. Nepotism ka ek case tha, I didn't deserve that sort of a job because I had no standing and nothing. Nepotism, I say that Shakir Sahab and Faiz Sahab, they were advisors to Arts Council. And the big architect, Tajuddin Bhavani, he had made an Islamic dome kisam ka naksha yahan ke liye banaya tha. Wo unhone overrule karke aur ek young ladke ko mujhe kaam wo de diya, to main I was quite baffled ke liye. To main socha ki kya kiya jaye. Wandering around Mall Road, I saw these masterpieces. Maine kaha goro ne us zamane mein ye imarate banayi hain, ईंट से बनाई हैं, हम क्यों नहीं बना सकते ईंट पे. लेकिन मेरी दूसरी जो वेस्टर्न ट्रेनिंग थी उसने मुझे ये सिखाया था कि चीज़ें दखल करके बनाना कोई काम नहीं होता, और आर्किटेक्चर जो है इसने वक्त के तकाजे से आगे की तरफ जाना होता है. ब्रिक इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, नंबर वन. नंबर टू, इट डजंट नीड मेंटेनेंस. रंग रोगन लेना देना कुछ नहीं करना पड़ता. इंसुलेशन क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है. इट एजेस वेल, पुरानी होके ज़्यादा अच्छी लगती है. अलहमरा इज़ नो लॉन्गर रेड, इट इज़ नाउ बेज ब्रिक. तो बहुत से मल्टीपल एडवांटेजेस हैं. आई डोंट सी एनीथिंग नेगेटिव इन यूज ऑफ ब्रिक. और हमारी तो बेसिक प्रॉब्लम ये क्या है, बजट. वी हैव टू मेक फ्रूगल इकोनॉमिकल बिल्डिंग्स. आई मेड ए मॉडर्न बिल्डिंग बिकॉज इट वॉज ए मॉडर्न प्रोग्राम ऑफ मॉडर्न थिएटर्स, मॉडर्न आर्ट गैलरीज, थिएटर वे साउंड एंड साइट एंड वो तमाम चीज़ें डिलीवर करनी थी कि ये सारे थिएटर काम करें, इनमें आवाज़ भी सही आए, विजन भी सही आए. तो वो एक मॉडर्न चैलेंज था. मगर ये इमारत समझ नहीं आती कि ये पुरानी है कि नई है. इट कैप्चर्स बोथ स्पिरिट. तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर इवॉल्व होता है, और इवॉल्व कर के लिए आदमी को असरात लेने होते हैं, ऐसे लोगों से जो कैन इंस्पायर यू. आई हैड द गुड लक ऑफ बीइंग, यू नो, हम आगे पीछे फिरते थे इन लोगों के. जायंट्स थे हमारे आगे पीछे, फैज, शाकिर, इंतज़ार हुसैन. बाद में मैंने कंटिन्यू किया कि इस ट्रेडिशन को लेके हमने ये नारंग में इंतज़ार साहब हमारे चेयरमैन थे, और वो हम इस सिलसिले को चलाते रहे. स्कूल ऑफ थॉट को ये पास्ट का, ट्रेडिशन का कोई क्या मुकाम होता है, और ये नहीं होता कि आप दकियानूसी चीज़ें या पुरानी चीज़ों को इमिटेट करें और रिपीट करें, लेकिन उनको इग्नोर और रिजेक्ट करना भी गलत है. क्योंकि हमारे पास चैलेंज होते हैं दो. एक होता है कंटिन्यूटी का, एकदम से एक रेवोल्यूशन नहीं आ जाता कि शीशे के डब्बे बनने शुरू हो गए. ये है कंटिन्यूटी की सेंस होनी चाहिए. और एक आइडेंटिटी कि ये इमारत जो है ये लाहौर में है, तो अगर लाहौर में है तो कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए प्लेस की, इस लोकेलिटी की, इसकी जोग्राफिया तारीख का. अगर कोई इसमें रिफ्लेक्शन आता है तो अच्छी बात है. तो इस तरह के आइडियाज़ के साथ आप एक थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से काम करें तो काम खुद ही इवॉल्व होके एक डायरेक्शन बनाता है, और उससे फिर क्रिएट होता है काम की एक तर्ज बनती है. क्योंकि ये ज़माना स्टाइल्स का, ये मॉडर्न ज़माना जो है ये ज़माना फ्रीडम का है. उस फ्रीडम के ज़रिए बेतहाशा वाहियात काम भी होते हैं, लेकिन फ्रीडम इज़ बेटर देन बीइंग डॉगमेटिक कि जनाब ये फलाने फलाने कॉलम है और ये कसूल बने हुए हैं. ये वो दे डोंट वर्क एनी लॉन्गर. दे डोंट वर्क इन फैशन, दे डोंट वर्क इन सिनेमा, दे डोंट, बिकॉज अब एक आदमी या कंधे पे कैमरा डाल के आके फिल्म बना देता है जो ऑस्कर जीत जाता है, जो कि 20th Century Fox 5 साल में 50 करोड़ से बनाता है. यू ओवरटेक्स दैट बिकॉज you can do a lot of work with modern technology and freedom. Hamara zero hai R&D jo hai, research and development in the field of construction, which is very sad. Aur hum hamari conditions mein jaise aap keh rahi hain crunch hai itna economy mein paise, to hamare ideas sare dandy expensive aur glossy magazines ko dekh ke us tarah ki baatein hum banate hain. Which are frightfully wasteful, expensive. कि मेरा स्ट्रेस indigenous materials, indigenous technology और simple
सॉल्यूशंस के ऊपर है, नॉट टू मैस प्रोड्यूस्ड और हैवी, ताकि ये सादगी के साथ लोगों को ट्रेन करें कि वो खुद अपने अपने छोटे एरियाज को डेवलप कर लें। व्हाट डू यू सी फ्रॉम द विंडोज ऑफ योर हाउस? साथ वाले की बाउंड्री वॉल दिख रही है, लॉन्ड्री टंगी हुई दिख रही है, और डू यू सी ग्रास एंड यू सी ट्रीज? इसी इस तरह की चीज़ों से क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट बनती है विच क्रिएट्स गुड आर्किटेक्चर। फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन गुड, द ट्रूथ ऑफ डूइंग क्रिएटिव वर्क विच इज क्रिएटिविटी एंड देन मॉरेलिटी ऑफ वर्क, दैट द वर्क यू डू is honest work which delivers the purpose for which it fits into the economy, socio-economic, socio-political conditions for where it is built, and end of the day it creates a better landscape for humanity.